हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेके हैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉप वीडियो जिसमें हम देखेंगे आज बीएससी सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का ये प्रैक्टिकल फाइल है। तो आइए देख लेते हैं केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल फाइल कैसे बना जाता है, क्या इंपॉर्टेंट्स होते हैं सबके बारे में। तो चलिए आइए ऑब्जेक्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर के पास। तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है जिसके बेसिस पे हम इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करते हैं। तो आपको नीचे ले चलूंगा, तो नीचे देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है। हो सकता है मैं पीडीएफ लिंक में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, लगभग 14 या 15 एमबी का होगा, आप सही तरीके से डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आगे, देखो क्या कह रहा है। ये पूरा स्पेशली इसका थ्योरी रहा है किस बेसिस पर हम कितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, कब करेंगे। वैसे आपको कुछ प्रैक्टिकल कराए जाएंगे बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में, आप किए होंगे सेकेंड ईयर में भी करेंगे। तो स्पेशली जो प्रैक्टिकल आपने किया है उसी के बेसिस पे ये भी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट किया गया है। ये प्रैक्टिकल करके भी मतलब करने के बाद ये प्रैक्टिकल फाइल हम लोग लिखे थे, उसी समय मेरे ही बैच का ये प्रैक्टिकल फाइल है। चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे प्रोसेस की बात कर रहा है, वो आपका प्रिंसिपल था, ये प्रोसेस की बात कर रहा है। प्रोसेस हम क्या करेंगे, देखो जो भी डॉलर सॉल्यूशन होगा उसमें हम धीरे धीरे जो बेरियम क्लोराइड होगा उसको धीरे धीरे ऐड करेंगे, उसके बाद जो मिक्सचर मिलता है 5 ml के बाद हम HCl को हीट करते हैं। पूरा ये एक वैल्यू पॉइंट्स हैं प्रोसेस में, सब प्रोसेस को सही तरीके से देखना पड़ता है कि कौन सा कैसे हो रहा है। ठीक, आगे बात करेंगे, ये इतना ही प्रोसेस था। ठीक, आगे बात करेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास चलेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए जाते हैं जिसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे रिक्वायर्ड कुछ मतलब हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, टेस्ट ट्यूब चाहिए, होल्डर चाहिए, स्टैंड बिकर चाहिए और इस तरह ढेर सारे मटेरियल चाहिए होता है। यहाँ पे उनके फिजिकली टेस्ट की बात करेंगे, तो फिजिकली टेस्ट कैसा होगा, क्रिस्टलाइज सॉलिड होगा, कलर कैसा होता है, वाइट होता है। ठीक, तो ये पूरा सॉल्युबल होगा कोल्ड वाटर में, सब सबकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये पूरा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक नेम रिएक्शन है। ठीक, इस रिएक्शंस को आप बगल में लिख लीजिएगा जो व्हाइट पेज होगा। ठीक, इसके बाद आप लिखिएगा इस वाले पेज को। ठीक, यहाँ पे कुछ एलिमेंट टेस्ट के बारे में, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग हम सॉल्यूशंस के प्रेजेंटेशन में, अलग अलग केमिकल्स के प्रेजेंटेशन में करते हैं और हमको पता चलता है कि कौन सा यहाँ पे बॉन्ड पाया जाएगा, कौन सा एलिमेंट्स निकल रहा है। ठीक, सबके बारे में हम बात करेंगे। वैसे जो एलिमेंट टेस्ट होता है वहाँ पर केवल एलिमेंट सकता है, एलिमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रोजन टेस्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन टेस्ट में हमको क्या दिखेगा, नाइट्रोजन अब्सेंट दिख रहा है, मतलब इस एलिमेंट में नाइट्रोजन नहीं था। उसके बाद हम सल्फर टेस्ट करेंगे, सल्फर टेस्ट में यहाँ पे भी देखा गया कि सल्फर टेस्ट में सल्फर नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन टेस्ट करेंगे, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। ये जो जितने भी यहाँ पे केमिकल दिखाई दे रहे हैं, ये सारा का सारा केमिकल आपको लैब में मिल जाएगा, आप बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन टेस्ट नहीं मिला। उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, यदि हम फंक्शनल ग्रुप की टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, सिंपल तरीके से हमको यहां पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाएगा। तो इससे ये साबित होगा कि जो एलिमेंट, ये हमारा पूरा ऑर्गेनिक मिक्सचर था, इसमें कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक के ही कंपाउंड्स रहे। ठीक, आगे हम क्या करेंगे, स्पेशल इसके टेस्ट करेंगे, स्मेलिंग के टेस्ट कर लेंगे। ठीक, कौन सा कंपाउंड्स होगा, तो देखो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड बता रहा है, क्या ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट लिखेंगे कि ऑक्जेलिक एसिड है, उसका फार्मूला लिखेंगे और उसमें हाइड्रेटेड क्या है, हाइड्रेटेड स्पेशली डाइहाइड्रेटेड क्या है, यहाँ पे हमारा ऑक्जेलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एथेनॉल, क्या कहते हैं, स्पेशल एथेन कहते हैं, क्या कहते हैं, एथेन कह सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे देखो एथेन होगा, क्यों होगा, एथेन तो बाद में हम लिखेंगे, एक दो मतलब दो कार्बन होगा। आप जानते हो कि कार्बोक्सिलिक कीटोन हो या फिर कार्बोक्सिलिक हो, ऐसे ढेर एल्डिहाइड हो, इनके जो ग्रुप होते हैं उनके ग्रुप के भी नंबर आपके IUPAC में कहीं ना कहीं काउंट होते हुए नज़र आते हैं। वहीं आगे बात करेंगे नंबर 3 की, नंबर 3 में एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है, यहाँ पे भी हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, सेम फीचर्स रहेंगे जैसे हमने उसको किया था वैसे इसको भी कर लेंगे, आप देख पा रहे होंगे। ठीक, यहाँ पे सारे के सारे नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप सबको टेस्ट करते हैं। ठीक, वही केमिकल होगा, आप कुछ अलग से भी केमिकल लगा सकते हो, वो भी केमिकल यूज कर सकते हो, बट केमिकल चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो मेरे पास क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है इसमें, कहीं ना कहीं यहाँ पे कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों तरफ पाया गया, दोनों ग्रुप के साथ साथ यहाँ पे हमको कार्बोक्सिलिक ग्रुप और मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमको हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी एल्कोहलिक ग्रुप हमको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंट, मतलब इससे ये पता चलता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट इस वाले मिक्सचर में था। उसके बाद हम रिजल्ट के पास चलते हैं, तो रिजल्ट में हमको क्या दिख रहा है, ग्लूकोज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ग्लूकोज दिख रहा है, तो हम किसका नॉमिनेशन कैसे करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 पेंटाहाइड्रोक्सी एक्सोनल। ठीक, तो यहाँ पे एक्सोनल की बात कर रहा है, तो एक्सोनल किसके लिए,
स्पेशली सी एच ओ के लिए हम लगाते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे, देखो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 आ जाएगा, यहाँ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, सेम फीचर्स वहीं रहेंगे। ठीक, जो भी आपका मटेरियल रहेगा उसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद जो भी हमारा एलिमेंट टेस्ट है आप उसको कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ढेर सारे हमको अलग अलग वही फीचर्स दिखाए जा रहे हैं। ठीक, तो आप इतना देख लीजिए, यहाँ से हमको कुछ कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से फिर हमको जो कंपाउंड दिया गया था वो फिर ऑक्जेलिक एसिड मिलता है, तो आप इसको फिर से कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं अगले नंबर की, 5वें में यहाँ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जा रहा है। ठीक, यहाँ भी हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑर्डर लेस है, ऑर्डर यहाँ पता नहीं है हमको। ठीक, उसके बाद आगे बात करेंगे तो यहाँ पे देखो अलग अलग पॉइंट देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट देखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, तो नाइट्रोजन अब्सेंट है यहाँ पे देख रहा है, सल्फर भी अब्सेंट है, हाइड्रोजन अब्सेंट है, एमाइड पाया गया। ठीक, उसके बाद ये इसका फार्मूला रहा जिससे हमसे रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे कार्बोक्जिलिक ग्रुप है, मतलब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये जो कंपाउंड हमको ऑर्गेनिक दिया गया था ये कहीं ना कहीं बेंजोइक एसिड का ही था। ठीक, आगे बात करते हैं 6 नंबर के, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है किसके, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को टेस्ट करके बताना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है पर्टिकुलर। अगले नंबर की बात करेंगे, सेम इसमें कोल्ड वाटर में क्या करेगा, और डिसोबल हो जाएगा, घुल जाएगा। उसके बाद अलग अलग फीचर्स होंगे, सबको हम देखेंगे, जैसे जैसे फाइल बनाया गया आप बहुत खूबसूरती से वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगले नंबर की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ आपको रिएक्शंस होगा, रिएक्शन में कोई गलती मत करिएगा, टीचर का सबसे ज़्यादा ध्यान इसी रिएक्शन के पॉइंट्स पर होता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, फिर वही नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम ग्रुप फंक्शनल टेस्ट करेंगे। फंक्शनल टेस्ट के लिए अलग अलग केमिकल्स को हम इसमें इनहेल करते हैं, मिलाते हैं, उसके बाद हमको यहाँ पे एमाइड ग्रुप देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे कह सकते हो, यहाँ पे धीरे धीरे हमको यूरिया का प्रेजेंटेशन नजर आ रहा है। ठीक, आप कह सकते हो देखो यूरिया ये इसका फार्मूला है। ठीक, इसके फार्मूला के साथ हम यहाँ पे रिजल्ट की बात करेंगे, तो रिजल्ट में हमको क्या दिखाएगा, कार्बोमाइट की बात करेगा, क्या करेगा, कार्बोमाइट की बात करेगा। तो कार्बोमाइट में हम स्पेशली NH2CO2 यानी यूरिया की बात करते हैं। वहीं अगले नंबर की बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 7 की बात करेंगे, यहाँ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसे जो BSc सेकेंड ईयर है वहाँ पे ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। क्यों, क्योंकि BSc सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए बहुत बेसिक चीज़ हमको पता होना चाहिए। सेम फीचर्स यहाँ भी है, हम उसको कर देंगे। ठीक, तो देखो अब उसको करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो हमको ये नज़र आएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ने के साथ साथ हमको फिर वही काम करना है, ग्रुप टेस्ट करना होगा, सारे के सारे फीचर्स देखने होंगे। ठीक, तो मैं आगे ले चल रहा हूँ इसको, यहाँ पे कार्बोजिलिक ग्रुप हमको प्रेजेंट दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो कार्बोजिलिक ग्रुप मतलब यहाँ पे फिर हमको बेंजोइक एसिड कहीं ना कहीं प्राप्त होता है उस कार्बनिक कंपाउंड्स में। आप कर सकते हैं, देखो इसमें प्रैक्टिकल कई बार कराया गया था, अलग अलग प्रैक्टिकल कराया गया है, अलग अलग कंपाउंड देकर फिर वहीं कम हमको एलिमेंट्स की टेस्ट करनी है। ठीक, वहीं हमको फिर हमको ग्रुप मिल जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप कॉमन ले लीजिएगा, किसी एक को कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगली बात करते हैं अगले नंबर पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्पेशली एक्सपेरिमेंट नंबर 8 की बात करेंगे, तो ऑब्जेक्ट फिर हमको वहीं दिया जाएगा, आप देख लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे सारे के सारे टेस्ट हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है। आगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे फिर हमको क्या मिलेगा, स्पेशली उसी ग्लूकोज की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्लूकोज की बात कर रहा है। 9 की बात करेंगे, फिर हमको वहीं सेम काम ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए जाएंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फिर हमको टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद हम आगे चलेंगे, तो यहाँ पे फिर सारे के सारे टेस्ट करेंगे, यहाँ पे फिर हमको एमाइड ग्रुप कहीं ना कहीं दिखाई देता है, क्या देता है, फिर हमको एमाइड ग्रुप दिखाई देता है। मतलब ये समझ आता है कि प्रैक्टिकल कई बार कराया गया, अलग अलग कंपाउंड देखो, जो स्टूडेंट का मतलब इस स्टूडेंट को जो मिला होगा स्पेशली वही केमिकल बारी बारी से हम दे रहे हैं। ठीक, आगे बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल फील 10वें नंबर की बात करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट्स हैं ये, आपके फिजिकल केमिस्ट्री से आता है, क्या आता है, फिजिकल केमिस्ट्री से आता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं, देख लीजिए आप इसको, मैं वैसे PDF दे दूंगा, PDF दे देख सकते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री मोर इंपॉर्टेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री वैसे क्या सारे स्टूडेंट का वीक रहता है, बट आप इसको सही तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं आगे नंबर की बात करेंगे, अगले नंबर में यहाँ पे दिखाई देगा कि अलग अलग पॉइंट्स हैं, पूरा ये कह लो कैलकुलेशन पॉइंट्स हैं, कैलकुलेशन में आप सही तरीके से कोई भी गलती मत करिएगा। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे सारा का सारा फीचर्स, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, मतलब 17.69 यहाँ पे क्या मिलेगा, ग्राम पर लीटर का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, किसका मिलेगा, बेंजोइक एसिड का, और किसका, 40 क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस पे। आगे बढ़ेंगे, आगे अगले पॉइंट्स की बात करेंगे, ये देखो सारा का सारा मैं दिखा दे रहा हूँ, अलग अलग बोलूँगा तो बड़ा टाइम, इस पर अलग अलग फीचर्स रहे, क्या इफेक्ट कौन डालेगा, सॉल्युबिलिटी कैसे डालती है, एसिडिक नेचर क्या होते हैं, बेसिडिक नेचर क्या होते हैं, पूरा दिखाया गया है, तो आप सही तरीके से इसको देख के बता सकते हैं। ठीक, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, वैसे मैं सारा का सारा इसमें ग्राफिकल पॉइंट्स आपको दिखाया गया है। ठीक, चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या कह रहा है, देखो
आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उसके बाद हमारा सारा का सारा वहीं पॉइंट्स फिर से आएगा, ठीक। उनमें हम एक एक पॉइंट्स को डिटेल करके दिखाया गया है, इसमें आप सही तरीके से इसको देख लीजिएगा। शायद आपके कॉलेज में इतना डिटेलिंग हो या ना हो, पर पड़ी जाओ कार्बोजिलिक एसिड, मतलब कार्बोजिलिक एसिड क्या गुण दिखाता है, उसके फीचर्स क्या हैं, कैसे रिएक्ट करता है, सबको बताया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे उसके फॉर्मेशन की बात करता है कैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या फिर हम एल्कोहल से स्पेशल कार्बोक्जिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक। तो आप देख लीजिएगा इसको, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, यहाँ पे हाइड्राइड्स एल्किल नाइट्राइड मतलब स्पेशल अलग अलग केमिकल कंपाउंड से हम कैसे कार्बोक्जिलिक एसिड तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे और ढेर सारे हमको नेम रिएक्शन दिखाई देंगे। तो नेम रिएक्शन का मैकेनिज्म है बड़ा आराम से बनाया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी सारा दिखाया गया है, ठीक। तो ये मैकेनिज्म आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा, वैसे आप मैकेनिज्म पढ़ लिए, मेरा मेन उद्देश्य था कि आपको प्रैक्टिकल फाइल हम मैं दिखा दूँ आपको कि कैसे बनाया जाता है बीएससी सेकेंड ईयर में। वैसे प्रैक्टिकल फाइल जल्दी मिलती कहीं है नहीं, बट कोशिश किया कि आपके लिए हम इसको लाएँ और दिखाएँ। यहाँ पे हेलो एसिड जो होते हैं क्या होते हैं, हेलो एसिड होते हैं, हेलो एसिड क्या होते हैं, कैसे उनके फीचर्स होते हैं, अल्फ़ा हेलो एसिड या फिर बीटा हेलो एसिड, कैसे इनका नाम रखा जाता है, इनको ध्यान से देखना है, ठीक। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और पॉइंट्स में, ठीक। तो यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स, यहाँ पे हाइड्रोक्सी क्या है, हाइड्रोक्सी एसिड की बात कर रहा है, कौन कौन से ऐसे हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं, जैसे मैलिक एसिड होता है, टैटेरिक एसिड्स होते हैं, वो सब क्या हैं, कैसे फीचर्स हैं, सबको दिखाना है, ठीक। मतलब एसिड के साथ जब कोई हाइड्रोक्साइड ग्रुप आता है तो हम उन्हें स्पेशली हाइड्रोक्सी एसिड के नाम से जानते हैं। तो अब देख लीजिए ये टैटेरिक एसिड का सबका डिटेलिंग दिया गया है नीचे, आप सही तरीके से इसको देख के बता सकते हैं, ठीक। देखो ये पूरा पूरा है, यहाँ पे सिट्रिक एसिड है, सबके बारे में लिखना था कि सिट्रिक एसिड कैसा होता है, आप देख लीजिए यहीं है आपके पास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने दिखा दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अगर देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, डाई कार्बोक्जिलिक एसिड की बात कर रहा है, डाई कार्बोक्जिलिक मतलब ऐसे एसिड जिसमें दो कार्बोक्जिलिक एसिड मेलेनिक और उसके बाद क्या है सक्सेनी एसिड है, तो उसके बाद ऑक्जलिक एसिड है, सारे के सारे फार्मूले इधर दिए गए हैं जो स्पेशली डाई कार्बोक्जिलिक एसिड के नाम से जाने जाते हैं, उनके प्रॉपर्टीज हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, तो सबको आप बता सकते हैं बड़ा आसान तरीके से। ये रहा बीएससी सेकेंड ईयर का एक छोटा सा फाइल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। ओके, मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।